कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्यौहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, आप रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं, यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियाँ थीं उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी, पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए? तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।